हेलो फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे कि हरे पत्ते वाले जो सब्जियां होती हैं, जैसे कि पालक हुआ, बथुआ हुआ, सरसों का साग हुआ, ये बहुत ही फायदेमंद होता है। और जितना कि फायदेमंद होता है उतना टेस्टी भी होता है ये, लेकिन उससे भी ज़्यादा कठिन होता है ये सफाई करना इसकी। तो मैं आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगी बथुए का साफ करने का, जो कि बहुत ही इजी, बहुत ही सरल तरीके से आप बथुआ को साफ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने 2 गड्ढी बथुआ ले लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मैंने ये जो इसके जो घास वगैरह थी वो सब निकाल दी है। ये देखिए कितनी सारी घास निकली है इसमें से। इसमें से जो जितनी घास वगैरह जो फालतू तिनके थे वो सब निकाल दिए, और ये भी देख लिया है साथ में कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं है इसमें, ये सब निकाल दिया है। और सबसे आसान तरीका इसका मैं ये बताती हूँ आपको। वीडियो पे बने रहें। घास फूस निकाल करके हमने इस प्रकार से ये गड्ढी बना ली, इस प्रकार ये गड्ढी हमने बना ली देखिए। और इसे हम क्या करेंगे, हम इसको कट करेंगे जहाँ से ये डंडियाँ सख्त शुरू होती हैं। सख्त डंडियों को हम इस कैंची से कट कर देंगे, इस प्रकार देखते जाइए। ये हमने कैंची ली और इसको कट कर दिया। ये देखिए एकदम हमारा बथुआ साफ हो गया है ना। ये देखिए ये बथुआ एकदम साफ हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और थोड़ा बहुत मैंने साफ करके भी रखा है इधर, ये देखिए। इस तरीके से आप करेंगे तो बहुत जल्दी साफ हो जाएगा बथुआ। और एक तरीका है इसके साफ करने का, जैसे कि आपको डंडी नहीं रखनी है। कभी कभी क्या होता है, बहुत नीचे तक डंडियाँ सख्त होती हैं, और आपको अगर बिल्कुल भी डंठल नहीं चाहिए, सिर्फ पत्ते चाहिए, तो आप इसका ऊपर वाला सिरा जो है पकड़ें हाथ से, इस प्रकार पकड़ें से। ये देखिए सिर्फ पत्तियाँ आ गई हमारे हाथ में, और ये पत्ती आप यूज़ कर सकते हैं, और ये डंडी हमारे हाथ में, डंडी को आप फेंक दीजिए। इस तरीके से आप बथुए को साफ कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है ये देखिए। जब हम छोटे थे ये मेरी माँ ने सिखाया है कैसे साफ किया जाता है। निकाल दी है सारी डंडियाँ, और ये घास फूस जो भी है वो सब निकाल के बाहर कर दिया हमने, और बथुआ हमारा 10 मिनट के अंदर अंदर साफ हो गया फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।